अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कुरम गिल फ्रॉम स्टार्स हेड ऑफिस लाहौर। और आपको पता है कि आज हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर नंबर 5th है, जो चैप्टर नंबर 5 के ऊपर है, पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर है, साथ चैप्टर 6 का पहला पोर्शन है। तो मैं आपको बताता हूँ, चुनाव चैप्टर 5 में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है इसमें से क्वेश्चन, लेकिन कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता, बड़ा आसान क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। तो सिर्फ आपने दो डेफिनेशन इसमें से याद करनी है, डैट्स इनफ। और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बस छोटा है चैप्टर, 10 मिनट में हार्डली हो जाएगा। उसके बाद हम मेजर चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर का नाम है। आपने दो डेफिनेशन याद करनी, फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती हैं जी, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। देखें, ये न्यूमिरेटर इसकी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 3 है। अगर न्यूमिरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस हो तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसी तरह से ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो डिग्री है न्यूमिरेटर की वो इक्वल हो या ग्रेटर हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उसे क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। देखें, इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री भी क्या है, 3 है। इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री भी क्या है, 4 है, इक्वल है। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, न्यूमिरेटर की डिग्री ज्यादा है, इसे क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस ये दो अपने डेफिनेशन याद करनी, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन करते हैं, विच वन इज आप प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन जो है प्रॉपर है। ऑप्शन नंबर 1, 1/x, ऑप्शन 2, x²-1/x, सी ऑप्शन है x-1/x, डेल्टा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। जी बताएंगे आप आंसर क्या होगा, सोचें कौन सी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखें, यहां पे डिग्री न्यूमिरेटर की ज्यादा है, यहां पे कम है, ये आंसर नहीं होगा। यहां पे दोनों डिग्रीज बराबर है, ये आंसर भी नहीं होगा। यहां पे देखिए, ऊपर 1 का मतलब x पावर 0, ऊपर x की डिग्री क्या है बच्चों, 0, नीचे डिग्री क्या है, 1 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक हो गया जी, हमने जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन चूज करना था। तो ये मोस्टली नस्ट के टेस्ट में क्वेश्चन आता है, यूईटी के टेस्ट में इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता। यूनिटी के टेस्ट में इसका 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है और वो बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखिएगा, चैप्टर 5 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना दुनिया का सबसे आसान काम है। इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ। क्वेश्चन यूं आता है इस चैप्टर में से, बस एक ही क्वेश्चन आता है, द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ 1/x²-1। इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है जी, ठीक है। चलिए इसको 2x कर दें, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हमने बनानी है, क्या होंगी। ऑप्शन नंबर 1, 1/x-1 माइनस 1/x+1, बीटा ऑप्शन है 1/x+1 प्लस 1/x-1, सी ऑप्शन है 1/x+1 प्लस 1/x-1, डेल्टा ऑप्शन है x/x-1 प्लस 1/x+1। नहीं जी, ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन बतानी है कौन सी हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे, इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, कोई भी फ्रैक्शन होगी उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, कि शॉर्टकट है, अपनी मर्जी से। एक तो एक इससे भी आसान हल है कि इसके एलसीएम ले लें। एक्चुअली जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो एलसीएम का रिवर्स होता है, तो एक तो ऑप्शन एक ऑप्शन के एलसीएम ले लें। इससे भी आसान तरीका क्या है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो, 1, 2, 0 के अलावा 1, 2, 3, 4 कोई भी, मैं 2 चूज कर लेता हूँ एक्स की वैल्यू। अपनी मर्जी से आपने x की वैल्यू चूज की, 2, जो मर्जी चूज कर लो, क्योंकि आइडेंटिटी होती है। अच्छा जी, 2 इंटू 2 ओवर, इसे क्वेश्चन में पुट कर दो आप,
तो आंसर आ जाएगा 4/3। मैंने शॉर्टकट ये बताया है कि अपनी मर्जी से कोई एक वैल्यू चूज करो, उसे क्वेश्चन में पुट कर दो। आंसर आया है 4/3। जो आपने वैल्यू 2 चूज की थी वही वैल्यू सारी ऑप्शन में पुट करो, जिसका आंसर मैच कर गया वही आपका आंसर होगा। मैं इसे बीटा में पुट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बीटा ऑप्शन ठीक है। 2+1+1/2-1, तो ये बन जाएगा 1/3+1। तो एलसीएम क्या बन रहा है, 3 1+3, तो क्या बन जाएगा 4/3। देखिए यही आंसर आ गया जो क्वेश्चन में पुट करने पे आया था। इसका मतलब है आंसर बीटा होगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बीटा। दोबारा से बात सुन लो, मैं रिपीट करता हूं। देखो कैसे बनानी पार्शियल फ्रैक्शंस, अपनी मर्जी से एक वैल्यू चूज करनी है आपने। याद रखिएगा वो वैल्यू होना चाहिए जिस पे डिनोमिनेटर जीरो ना बने, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। वन नहीं पुट कर सकते, वन पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा, वो आपको पता है इन्फिनिटी बन जाता है। आपने वैल्यू कौन सी बच्चे चूज किया है, 2, किसमें पुट किया, क्वेश्चन में। आंसर क्या आया है, 4/3। यही वैल्यू आपने सारी ऑप्शन में पुट कर देनी है। मैंने यही वैल्यू किस ऑप्शन में पुट की है, बीटा ऑप्शन में। तो क्या हुआ, आंसर क्या आया, 4/3 आ गया। सेम आंसर आ गया दोनों में पुट करने पे, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने की शॉर्टकट है, एक वैल्यू क्वेश्चन में, वही वैल्यू किसमें पुट कर दो, ऑप्शन में, जिस पे दोनों साइड बराबर आ गई वही आपका आंसर होगा। उसके बाद देखें एक दो डेफिनेशन और इसमें से करनी है। ए है इक्वेशन, इक्वेशन को हम कंडीशनल इक्वेशन भी कहते हैं। इक्वेशन को आप सिंपल इक्वेशन या कंडीशनल इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है यूईटी के टेस्ट में। एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन विच, या इक्वेशन की जगह पे मोर प्रिसाइज वर्ड यूज कर ले, एन अलजेब्रिक सेंटेंस, सेंटेंस डेट इज ट्रू फॉर स्पेसिफाइड चंद वैल्यू के लिए, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन, ऐसा अलजेब्रिक सेंटेंस जो सिर्फ चंद वैल्यू के लिए ट्रू हो, जैसे x²-1=0, ये इक्वेशन है क्योंकि यहां से x की वैल्यूज कितनी आएंगी, 2, सिर्फ ये 2 वैल्यूज के ट्रू है तो ये इक्वेशन है। इसी तरह x²-x+2, ये भी इक्वेशन है क्योंकि x की सिर्फ 2 वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। इसी तरह 2x-4=0, ये भी इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि ये x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू है। तो याद रखिएगा इक्वेशन या कंडीशनल इक्वेशन ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जो x की सिर्फ चंद वैल्यू के लिए ट्रू हो, सारी वैल्यूज के लिए ट्रू ना हो। उसके बाद हम डेफिनेशन करते हैं आइडेंटिटी की, इसमें से भी क्वेश्चन पॉसिबल है। आइडेंटिटी क्या होती है, ये इक्वेशन की टाइप होती है। एन इक्वेशन, इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो याद रखिएगा आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, x·x−1, ये x²-x बनेगा। आप इसमें 0 पुट कर दो तो दोनों साइडें बराबर आ जाएंगे। आप इसमें 1 पुट कर दो तो तब भी दोनों साइडें क्या आ जाएगी, बराबर। 1 पुट करके देखें, 1 − 1 1² − 1, तो 0 दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। 2 पुट कर दे दोनों साइड बराबर आ जाएगी, 3 पुट कर दे दोनों साइड बराबर आ जाएगी। तो ये एक चीज आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन को, जैसे ये देखें, आपने ये फार्मूला इसका एक्सपेंड करो, x²+2x+1, इसमें जो मर्जी x की वैल्यू पुट कर दे दोनों साइड हमेशा बराबर ही रहेंगे, हमेशा आंसर ट्रू आएगा। तो ये चीज क्या होती है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हम इक्वेलिटी का सिंबल भी यूज करते हैं, या समटाइम्स ये वाला सिंबल भी यूज किया जा सकता है, नो इशू, दोनों सिंबल जो है वो यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, विच वन इज एन
आइडेंटिटी, कौन सी चीज़ आइडेंटिटी है? ऑप्शन नंबर वन, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, बीटा ऑप्शन है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स क्यूब, सी ऑप्शन है एक्स क्यूब माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जी क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का, कौन सी चीज़ आइडेंटिटी है? देखें आइडेंटिटी नहीं है, दोनों साइड हमेशा ट्रू होंगी, ये भी आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी है। इसमें आप एक्स की जो मर्जी, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आइडेंटिटी होते हैं, तो जो मर्जी वैल्यू इसमें पुट करके देख लें, आंसर हमेशा दोनों साइडों को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है जी, ये चीज आइडेंटिटी होती है। ये है जी चैप्टर नंबर 5। सिर्फ आपने एक क्वेश्चन पे फोकस करना है, वो ये है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे मालूम करते हैं। उसका मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, यूटी में अभी तक सिर्फ वही सवाल आया हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शन ना है, बाकी मैंने आपको एहतियातन इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से वो बता दिए। अब हम इसके साथ ही चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, जो ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है। लें जी चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, इस चैप्टर में से मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत कम स्टूडेंट को इस पूरा चैप्टर आता होता है। इवन आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को चॉइस पे छोड़ा होता है, जो कि ऑब्वियसली गलत बात है, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने एंटी टेस्ट के लिए परेशान नहीं होना। इस पूरे चैप्टर में आपको इतने शॉर्टकट बताऊंगा कि पूरा चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होगा, ये मेरी बात याद रख लें। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपके चैप्टर आता होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपने सिर्फ इसको साथ साथ समझना है। ठीक है, लो जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले आप सीक्वेंस की डेफिनेशन कर लेते हैं। अब सीक्वेंस की आपने बुक में तो सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स को सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ये बात भी, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स को क्या कहा जाता है, सीक्वेंस कहा जाता है, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन की क्या है? एक फंक्शन होता है सीक्वेंस, एक फंक्शन होता है, याद रखिएगा। चैप्टर 2 में हम फंक्शन है जो पढ़ चुके हैं। अ फंक्शन हूज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड रेंज इज सेट ऑफ रेंजेस, कोई भी सबसेट या सेट लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, सबसेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। लो जी ये डेफिनेशन है, एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है और रेंज रियल नंबर होती है या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। इस फंक्शन का जो आउटपुट है उसको सीक्वेंस कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसकी टर्म्स को क्या कहा जाता है, सीक्वेंस। जैसे देखिए, एक मैं टर्म्स लिखता हूँ कुछ 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स है। वो टर्म्स कहाँ से आई हैं, वो टर्म्स यहाँ से आई हैं। किसी भी फंक्शन का आपको पता है जो रेंज के एलिमेंट्स होते हैं उनको अरेंज कर दे तो सीक्वेंस बन जाता है बेसिकली। तो ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स होती है। क्या होता है, सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स है। आपने इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली याद रखनी है, एक फंक्शन होता है जिसकी रेंज रियल होती है कॉम्प्लेक्स होती है। बात समझने के लिए इतनी बात याद रख लें कि ये अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स है, कुछ भी टर्म्स को अरेंज कर दें, किसी भी तरह के टर्म्स को अरेंज कर दें तो वो सीक्वेंस होता है। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सोन, ये भी कुछ टर्म्स हैं तो इसको क्या कहा जाता है, सीक्वेंस कहा जाता है। हर सीक्वेंस की कोई एंड वाली टर्म होती है, कोई जनरल टर्म होती है। तो याद रखिएगा, किसी भी सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है उसको हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन, ए एन को हम nth टर्म भी कहते हैं।
एन को क्या कहते हैं, हम nth टर्म भी कहते हैं। एन को हम क्या कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं। किसी भी सीक्वेंस को हम इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अगर किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म है, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस है 1 ओवर n स्क्वायर, सीक्वेंस क्या है 1 ओवर n स्क्वायर, उसकी nth टर्म है, अगर उसको इस ब्रैकेट में लिखा होगा तो इसका मतलब ये खुद nth टर्म है, ये खुद क्या है nth टर्म है, ये खुद क्या है nth टर्म। ये जो 1 ओवर n स्क्वायर लिखा ये nth टर्म है। जब इस टर्म को हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं तो इसका मतलब पूरा सीक्वेंस होता है। इसका मतलब क्या होता है, पूरा सीक्वेंस। पूरा सीक्वेंस का मतलब क्या है, सीक्वेंस की डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो अगर 1 ओवर n स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है सबसे पहले आप n की जगह पर क्या पुट करोगे, 1, फिर आप n की जगह पर क्या पुट करोगे, 2, फिर आप n की जगह पर क्या पुट करोगे, 3, फिर आप n की जगह पर क्या पुट करोगे, 4 अप टू सो ऑन। तो ये क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है, ये क्या होता है सीक्वेंस। याद रखिएगा इन ब्रैकेट्स में कोई भी चीज लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या होगा, सीक्वेंस होगा, और ये उसकी nth टर्म होगी जो ब्रैकेट्स के अंदर होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बेसिकली ये वाला क्वेश्चन नस के टेस्ट में आया हुआ है, लेकिन मैं चूंकि इससे रिलेटेड है तो मैं आपको करवा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। द सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय माइनस वन पावर एन प्लस वन पावर एन ओवर टू इज, जो सीक्वेंस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जब भी ब्रैकेट्स में कोई nth टर्म लिखी हुई है ना, उसका मतलब पूरा सीक्वेंस है। और पूरे सीक्वेंस का मतलब क्या है, आपने n की जगह पे 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, अप टू सो ऑन। ऑप्शंस हैं 0, 1, 2, 0, 1, 2। बीटा ऑप्शन है 1, नेगेटिव 1, 1, नेगेटिव 1। सी ऑप्शन है 1, 0, 1, 0, अप टू सो ऑन। डेल्टा ऑप्शन है 0, 1, 0, 1, 0, अप टू सो। जी आंसर आप बताएं इस क्वेश्चन का, क्या सोचे आंसर। जी क्या आंसर आपने सोचा इसका, जी काफी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, इसका आंसर है डी। कैसे, आपने पूरा सीक्वेंस बताना, तो सबसे पहले पेन की वैल्यू 1 पुट करें। जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो बचेगा क्या, n बाय टू, जीरो बचेगा। अब n की वैल्यू 2 पुट कर दो, प्लस 1 ओवर 2, तो आंसर क्या बचेगा, 1। तो 0, 1, 0, 1, 0, 1 ही टर्म्स रिपीट होते जाएंगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेसिकली क्या होगा, डेल्टा डी आंसर होगा। जी नोट कर लें यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी। अब हमने सीक्वेंस को पढ़ लिया जी, क्या होता है सीक्वेंस, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स को सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस के लिए, सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं। सीक्वेंस के लिए हम जो सेकंड वर्ड यूज करते हैं, डेट इज प्रोग्रेशन। बेसिकली हमने इस चैप्टर में 3 किस्म के सीक्वेंसेस पढ़ने हैं। सबसे पहला सीक्वेंस पढ़ाने जा रहा हूं जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसको हम एपी कहते हैं। सबसे पहला सीक्वेंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों की इसकी डेफिनेशन आती होगी, ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर दो टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो, उसे क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहा जाता है। देखिए एक मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, 1, 5, 9, 13, 17 अप टू सोन, एक सीक्वेंस लिखा है। मुझे बताएं इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 4 है। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 4 है। हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या बनता है,
ए जितना बन रहा है, इस डिफरेंस को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सब में है ना, कॉमन है सबका। इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। इसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाली टर्म जो है उसे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म ए वन कहते हैं, इस टर्म को सेकेंड टर्म कहते हैं, ये जो थर्ड टर्म है ये ए थ्री है। तो अगर आपने डिफरेंस निकालने तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? आप सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, डिफरेंस आ जाता है। या आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दें, आपकी मर्जी है, किसी भी अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दें, डिफरेंस आ जाता है। तो ये कॉमन डिफरेंस, समझ आ गई क्या होता है? दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक हो गया। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगली टर्म को पिछली में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो फार्मूला याद कर लें, ए एन ए वन, जस्ट हमने इस फार्मूले को देख लिया। अरिथमेटिक सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। काफी लोगों को ये फार्मूला यूज नहीं करना आता, कोई मसला नहीं है, फार्मूले की शक्ल याद कर लें क्वेश्चन करने के लिए। मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, आपसे क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला नहीं आता इवन तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस फार्मूले में चार चीजें आ रही है। ए एन को कहते हैं एंट टर्म, और ये ए वन जो है वो क्या है? फर्स्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। इसमें एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। इसमें डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस। तो इस फार्मूले में टोटल आपके पास चार चीजें हैं। पहली चीज है nth टर्म, दूसरी चीज है फर्स्ट टर्म, तीसरी चीज है नंबर ऑफ टर्म्स, चौथी चीज है कॉमन डिफरेंस। होगा क्या, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें चारों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी, वो हमने मिसिंग चीज मालूम करने की, ये क्वेश्चन है। क्लियर? ये चार चीजें हैं, इन चारों में से कोई एक मिसिंग होगी, वो चीज हमने मालूम करनी होगी, या दो मिसिंग होंगी, तीन मिसिंग होंगी। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। और इसमें याद रखिएगा n खुद किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। और n यहां पर ग्रेटर देन वन होना चाहिए। n नेचुरल नंबर को बिलोंग इस वजह से करता है कि जो डोमेन है सीक्वेंस की वो होती नेचुरल नंबर है, और n वन से ग्रेटर इस वजह से है क्योंकि ए वन पहले से इसमें आ रहा है। इस फार्मूले को मैं इतना सिंपल कर दूंगा कि आप इसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल करते हैं इस फार्मूले को। फॉर एग्जाम्पल आपने ए टू कैलकुलेट करना है। मैंने कहा इस फार्मूले को ना याद करें, इसको शॉर्ट फॉर्म याद करते हैं। ए टू मालूम करना है तो क्या बनेगा? ए वन प्लस एन की जगह पर टू पुट करोगे तो बच जाएगा डी। अगर आपने ए थ्री कैलकुलेट करना है तो क्या बनेगा? ए वन प्लस टू डी। सिर्फ आपने एक डी कम कर देना है, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ए फोर मालूम करना है क्या बनेगा? ए वन प्लस थ्री डी, एक डी कम रखना है जितनी टर्म है। इसी तरह अगर आपसे मैं कहूं आपने ए फाइव कैलकुलेट करना है तो क्या फार्मूला बनेगा? ए वन प्लस फोर डी। अगर आपको मैं कहूं आपने ए नाइन कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या बनेगा? ए वन प्लस एट डी। अगर मैं कहूं आपने ए अलेवन कैलकुलेट करना है, फार्मूला क्या बनेगा? ए वन प्लस टेन डी। तो ये आपके पास शॉर्टकट आ गया कि कोई भी टर्म मालूम करनी है अगर आपने इस फार्मूले से रिलेटेड, अलेवन मालूम करनी हो टेन डी, 9 मालूम करनी है तो 8d, 5 मालूम करनी है तो 4d। a1 और d का भी शॉर्टकट मैं बता देता हूं कैसे मालूम करनी है। आप पहले ये चीज जो है वो उसको क्लियर कर लें। जो टर्म मालूम करनी है da कम रखना है। अगर मैं कहूं कि आपने a50 मालूम करना है तो क्या फार्मूला बनेगा? a1 प्लस 49d। ठीक हो गया जी। ये बात आप इसको क्लियर कर लें कि हम इस फार्मूले की जगह पर इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे जो आसान पड़ेगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड बड़ा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो यूईटी के टेस्ट में आता है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये जी, इन एन एपी मैंने आपको कहा कि मैंने आपको एन टर्म का भी शॉर्टकट बताना है, वो मैंने बता दिया। एन टर्म का मतलब कोई भी टर्म होता है, एंथ टर्म का मतलब एंथ टर्म नहीं होता। एन टर्म का मतलब होता है फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवन्थ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, जो टर्म मालूम करनी उसकी बात हो रही है उसका शॉर्टकट बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा डी निकालने का शॉर्टकट, डी कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन देखिए, यूनिट टेस्ट में आया हुआ है इन एन एपी, एक एपी है
A5 उसमें 13 है, दो टर्म्स दी हुई हैं, दो टर्म में से आपने कोई तीसरी टर्म निकालनी है, देन A13 कैलकुलेट कर लें। ऑप्शन है 35, ऑप्शन है 37, ऑप्शन है 39, ऑप्शन है नन ऑफ दीज। लीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट करके यूज करेंगे। शॉर्ट करके यूज करेंगे कैसे यूज करेंगे बता, मालूम एक एपी की दो टर्म दीवन है, सबसे पहले वो लिखना है। इस पूरे चैप्टर की टेक्निक ये है, सबसे पहले वो लिखना है जो मालूम करना है। बेटे बताएं आपने क्या मालूम करना है, A13 क्या मालूम करना है आपने, A13 का फार्मूला क्या होगा, A1 + 12D। A13 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, A1 + 12D। दोबारा सुनो, A13 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 यही समझाया ना, एक डी कम करना है। अब देखें, हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक A1 दूसरा D। सबसे पहले मैं आपको D निकालने का शॉर्टकट बताऊंगा, कैसे निकालना है D। इधर देखो, अगली टर्म कौन सी है, 49, इसको पिछली टर्म में से माइनस कर दो आप। डी निकालने का केयरफुल होकर शॉर्टकट समझना है, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है, उसके बाद अगली टर्म के नंबर को पिछली टर्म के नंबर से माइनस करना है, 17 - 5, ठीक है, जो डी आ जाएगा। दोबारा सुनो, अगली टर्म को माइनस करना है पिछली टर्म से, ठीक है, डिवाइड किससे करना है, अगली टर्म के नंबर को पिछली टर्म के नंबर से माइनस करना है, तो D3 आ गया, काम हो गया हमारा, डी आ गया तो A1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ आ गया आपको डी निकालने का शॉर्टकट, मैं इसकी ड्रिल करवाता हूं। अगर मैं कहूं कि A11 जो है वो 30 है और A15 जो है वो आपके पास 60 है, आपने डी निकालना है, बताएं डी निकालने का क्या शॉर्टकट बताया मैंने, अगली टर्म को पिछली में से माइनस कर दो, A1 - 30, डिवाइड किससे करना है आपने, अगली टर्म के नंबर को पिछली टर्म के नंबर से माइनस करना है, तो ये आपके पास 30/4, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो डी आ जाएगा। समझ आ गया आपको डी निकालने का क्या शॉर्टकट है। एक और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर मैं कहूं A15 जो है वो 45 है, A20 जो है वो 85 है, आपने बताना है डी की वैल्यू, तो बताओ क्या शॉर्टकट बताया मैंने जी। साथ रिपीट करेंगे आप इसको, ए अगली टर्म को पिछली टर्म में से क्या करना है, माइनस करना है, डिवाइड किससे करना है, अगली टर्म के नंबर को पिछली टर्म के नंबर से माइनस करना है, तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा, 45/5, तो 8 आंसर आ जाएगा डिफरेंस। क्यों जी, डिफरेंस निकालना आ गया, दोबारा बता रहा हूं मैं, एक दफा फिर बता रहा हूं, अगली टर्म को पिछली टर्म में से माइनस करना है, अगली टर्म के नंबर को पिछली टर्म के नंबर से माइनस कर, दोनों को डिवाइड कर देना। अब सवाल यह है कि डी तो आ गया ना, A1 कैसे आएगा, बड़ा सा इन दोनों में से A1 आ जाएगा, जहां से मर्जी निकाल ले। देखें ये भी तो गिवन है ना, A5 किसके इक्वल है, 13 के, ऐसे ही है। अब बताओ A5 का फार्मूला क्या होगा, A1 + 4D, क्या फार्मूला होगा, A1 + 4D, अच्छा इक्वल टू 13 है। अब बताओ A1 वैसा का वैसे रहने दो, 4 × D अभी निकाला आपने 3, तो यहां से आप A1 में निकाल लो। समझ आ गई, डी कैसे निकालना है शॉर्टकट बता दिया, A1 कैसे निकालना है, दोनों में से किसी एक में पुट कर दो तो A1 आ जाएगा, तो ये A1 मालूम करने का तरीका है, तो A1 आ गया। ले जी, आपने D3 निकाला था, A1 की वैल्यू 1 आ गई है, इसमें पुट कर दो, A13 = A1 की वैल्यू 1 है, 12 × इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, तो A13 किसके इक्वल आ जाएगा, 37 के, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है जी, A13 की वैल्यू क्या आ गई, 37, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 37। डी निकालने का आपको शॉर्टकट समझ आ गया होगा जी, ठीक है, यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, अभी मैंने आपको इस फार्मूले में से सिर्फ दो चीजें बताई हैं, एक A1 और D कैसे निकालना, दूसरा AN मतलब कोई भी टर्म कैसे निकालनी है।
अब हम शॉर्टकट सीखेंगे ए एन निकालने का। अब हम कौन से शॉर्टकट सीखेंगे जी, हमने ए एन कैसे निकालना है, ठीक है, एन कैसे निकालना है। अब हम जा रहे हैं एन निकालने के शॉर्टकट पे। इस पे डिफरेंट टेक्निक का क्वेश्चन आता है, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर चुके होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अभी हम इस फार्मूले को एक्सप्लोर कर रहे थे, अब हमने इसमें ए एन कैलकुलेट करना सीख लिया, ए वन कैलकुलेट करना सीख लिया, डी कैलकुलेट करना सीख लिया। अब हम शॉर्टकट सीखेंगे अगर इसी फार्मूले में आपको एन कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, इसका शॉर्टकट देखें। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच टर्म ऑफ ए पी 52 माइनस 1 माइनस 82, ये माइनस 82 nth टर्म में कौन सी टर्म बनती है, एन बताना है नंबर ऑफ टर्म, तो इसका शॉर्टकट देखें, एन निकालने का शॉर्टकट। आपने करना ये है, आपने लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देनी है, माइनस 82 माइनस 5, पहला स्टेप समझ आ गया, लास्ट में से फर्स्ट माइनस करनी है, और फिर क्या करना है आपने, डिफरेंस पे डिवाइड कर देना है। डिफरेंस क्या है इन दोनों का, कॉमन डिफरेंस निकालने एक साइड पे, भाई सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, तो डिफरेंस नेगेटिव 3 आएगा, तो डिफरेंस पर आपने डिवाइड कर देना है और एंड पर आपने 1 ऐड कर देना, तो ये इसका शॉर्टकट है। क्या करना है आपने, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस और ऐड 1, ठीक है, इसको आप फॉर द मेमोरी एक साइड पे लिख लें, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस और ऐड क्या करना है आपने 1, तो आपके पास एन आ जाएगा। तो एन निकालने का शॉर्टकट हमने सीखा है, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 29 प्लस 1, तो कौन सी टर्म बनेगी इसकी, 30th टर्म बनेगी नेगेटिव 82। एक और प्रैक्टिस करवाता हूं आपको, देखिए अगर ऐसे आ जाए 4, 8, 12 अप टू सोन, पूछा हुआ है कि 100 इसकी कौन सी टर्म है, तो बताएं एन निकालने का क्या शॉर्टकट बताया, लास्ट को फर्स्ट में से क्या माइनस करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड किससे करना है आपने, डिफरेंस से, डिफरेंस कितना है 4 और ऐड क्या करना है 1, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एन निकालने का फॉर्मूला। याद रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड करना है डिफरेंस से और 1 को ऐड कर देना है, तो ये आपके पास डिफरेंस एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है जी, बीटा। एक और प्रैक्टिस करवाता हूं जी, आगे ऐसे आ जाता 14, 16 अप टू सो ऑन 92। अब बताओ आपने एन निकालना तो क्या करना है, लास्ट को फर्स्ट में से माइनस करना है, डिफरेंस दोनों का 2 बनता है वो डिवाइड करना है डिफरेंस से और ऐड 1 कर देना है, ये हमारे पास एन निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन क्वेश्चन ये तुमने बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिखा ना, अब एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन कैसे आता है, वो ऐसे आता है, हाउ मैनी 3 digit मल्टीपल ऑफ 4, हाउ मैनी 3 digit नंबर्स, हाउ मैनी 3 digit इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स कर लें, पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 4, कितने 3 digit नंबर होते हैं जो 4 के मल्टीपल है, ऑप्शन है जो 220, बीटा ऑप्शन है 225, सी ऑप्शन है जी 180, डेल्टा ऑप्शन है ऑफ दिस, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है थोड़ी देर पहले किया, लेकिन फर्क क्या है, इसमें सीरीज लिखी हुई है, इसमें सीरीज बनानी है। क्वेश्चन है जी 3 digit नंबर बताने हैं जो 4 के मल्टीपल है, कौन से नंबर बताने, 3 digit। पहले आप ये सोचे 3 digit नंबर होते कौन से हैं, 3 digit नंबर 100 से शुरू होते हैं, 999 पे जाके मुक जाते हैं, हमने बताना है कौन से नंबर 3 digit है जो 4 के मल्टीपल है। तो देखें 100 पहला नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 104 है, तीसरा नंबर क्या होगा 108 होगा, चलते जाए लास्ट नंबर क्या होगा 996 होगा, तो ये सीरीज बन गई है। और याद रखिएगा मल्टीपल्स की सीरीज हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस बन गया। दोबारा सुन लो, 3 digit नंबर बताने हैं जो किसके मल्टीपल है, 4 के, तो आपके पास पहला नंबर जो 4 का मल्टीपल वो 100 होता है, अगला नंबर 104 होता है, अगला नंबर 108 होता है,
लास्ट नंबर 996 होगा जी। अब बताएं आपने यानी कैसे निकालने, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड करना है डिफरेंस से, ऐड करना है वन। क्यों जी ये बात समझ आ गई है? तो यहां से आप इसका आंसर निकाल लें तो क्या आ जाएगा 180। इस तरह एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, ये कैसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ मैनी नंबर्स इन फर्स्ट 200 नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ, नंबर्स से मुराद मेरी इंटीजर्स ही है, ऑफ थ्री। अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, पहले 200 नंबर्स में से, ठीक है पहले 200 नेचुरल नंबर कर लो, पहले 200 नेचुरल नंबर्स में से कितने नंबर जो थ्री के मल्टीपल हैं, तो बताओ सीरीज कैसे बनाओगे आप। पहला नंबर थ्री बनेगा, नेक्स्ट नंबर सिक्स बनेगा, नेक्स्ट नंबर नाइन बनेगा, फिर 12 बनेगा, चलते जाएंगे। लास्ट नंबर कौन सा बनेगा सोचे, 190 जी, लास्ट नंबर कौन सा बनेगा 199, है ये थ्री का मल्टीपल नहीं है। 198 चेक करें जी, लास्ट नंबर बनेगा 198, पहले 200 में से जो लास्ट नंबर बनेगा थ्री का मल्टीपल 198 बनेगा। बताएं एन कैसे निकालना है आपने, 198 माइनस थ्री डिवाइडेड बाय डिफरेंस और ऐड क्या करना है वन, तो ये आपके पास एन निकालने का शॉर्टकट है। अब आपके पास ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया होगा, आपने सारी ही चीजें कैलकुलेट करना यहां से सीखनी है। इसके बाद देखिए होता ये है, देखिए एंट्री टेस्ट एक टोटली डिफरेंट गेम, डिफरेंट माइंडसेट ही डिफरेंट है। हमने प्रैक्टिस बहुत कुछ क्वेश्चंस की होती है, हम बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ बहुत कुछ हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन टोटली डिफरेंट भी आ सकता है। जैसे देखें हमने इतना पढ़ा, एन निकालने का फार्मूला पढ़ा, हमने सिंपल क्वेश्चन किया, हार्ड लेवल का क्वेश्चन किया, उससे हार्ड लेवल का क्वेश्चन किया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन इससे ईजी और कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ जाए। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे फास्ट टेस्ट में आया ये क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज राइटिंग काउंटिंग, वो गिनती लिख रहा है एक बच्चा, फ्रॉम 1 to 100, हाउ मेनी टाइम्स Does he pass by 9? कितनी दफा वो 9 को पास करेगा, 9 काउंट करेगा, 20, 10, 11। आप लोग घर में बैठे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, अब इस क्वेश्चन का आंसर दें, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैं आपको एक मिनट देता हूं, आप इसका आंसर गलत करेंगे। घर में बैठे हुए आप की बुक यूज कर ले, जो मर्जी यूज करते, कैलकुलेटर यूज कर ले, आंसर दें इसका। मैं तब तक ये रिमूव करता हूं। हाँ जी, क्या सोचा होगा अभी तक? हाँ, मुझे पता आप लोगों की सोच का, मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आपको पढ़ रहा हूं, आपने इसका आंसर 10 किया होगा, जो कि इसका आंसर गलत है, इसका आंसर 10 नहीं है। फिर कुछ लोगों ने इसका आंसर 11 किया होगा, डेफिनेटली वो भी नहीं है। अब आंसर सोच ले, दो ऑप्शन रह गए हैं, अभी भी सोच ले, शायद सही आंसर तक आप लोग पहुंच जाए। क्या है, क्या ये थीमेटिक सीक्वेंस का क्वेश्चन? नॉट एट ऑल, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऐसा होता है कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ जाता है। देखें ये काउंट करने वाला क्वेश्चन है, ये कोई थीमेटिक क्वेश्चन ये कि 1 से 100 तक गिनती लिखो, 9 कितनी दफा आएगा। देखें पहली दफा 9 में, 19 में, 29 में, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, और 99 में कितनी दफा आएगा? दो दफा। 99 में कितनी दफा आएगा? दो दफा। तो टोटल 20 टाइम्स वो क्या लिखेगा? 9 को लिखेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट बनेगा वो 20 टाइम्स बनेगा। ठीक हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन होता है क्या कि आपने इसको सोच रखा होता है कि वो मुश्किल है, जिसकी वजह से आप सारा क्वेश्चन गलत करके कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये वहां पर मौजूद होगी। आगे चलते हैं जी। देखें अभी तक हमने पढ़ा जी एक ही फार्मूला, उसको एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा इसी फार्मूले को हम आगे लेके चलते हैं।
आगे लेके चलते हैं, हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जिसे आप ए एम कहते हो, बड़ा ही आसान है। अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं, ए कैपिटल ए बी आर इन ए पी, ये तीनों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। फॉर एग्जांपल 1 5 9, देखो ये तीन नंबर जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, तो इनके दरमियान में कौन सा नंबर है? 5। तीन नंबर्स के जो दरमियान में नंबर होता है वो अरिथमेटिक मीन होता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? ए प्लस बी ओवर 2, बड़ा आसान है, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, इन दोनों को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल इसमें से आता है, द अरिथमेटिक, ये वाला क्वेश्चन नेस के टेस्ट में आया हुआ है जी, आपको फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बिटवीन एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन इज, अरिथमेटिक मीन बताना है, 2x एक्स माइनस एक्स यहां 0। कैसे बताओगे अरिथमेटिक मीन? अभी बताया आपने, इन दोनों को ऐड कर देने ओवर 2, ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी इसका आंसर क्या बचेगा? एक्स। तो एक्स इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मैंने कहा दो नंबर्स के दरमियान में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो वो दरमियान वाला नंबर कहलाता है अरिथमेटिक मीन। लेकिन अगर 3 7 11 15 19, अगर नंबर ही एक से ज्यादा हो फिर क्या करेंगे? बताओ ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये पहला नंबर है आपका और ये लास्ट वाला नंबर है आपका, इसके दरमियान में कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 नंबर्स हैं, तीनों अरिथमेटिक मीन कहलाते हैं। ये पहला अरिथमेटिक मीन है, ये दूसरा अरिथमेटिक मीन है, ये तीसरा अरिथमेटिक मीन है। दो नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं? अरिथमेटिक मीन कहलाते हैं। एक अरिथमेटिक मीन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। इनको कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है जी। अगर आपने पहला अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना तो फार्मूला होगा ए वन प्लस डी। अगर आपने सेकंड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है फार्मूला होगा ए वन प्लस टू डी। देखो अगर आपने सेकंड टर्म मालूम करनी थी तो फार्मूला ए वन प्लस डी था, मिक्स ना कर देना। यहां पर हम एक डी कम करते थे, यहां पर डी की वैल्यूज उतनी रखनी जितनी है। ए वन होगा तो 1D, ए टू होगा तो 2D। अच्छा, तीसरा अरिथमेटिक मीन मालूम करना तो फार्मूला क्या होगा? ए वन प्लस 3D। आगे जाके मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ए फोर मालूम करना है तो क्या फार्मूला होगा? ए वन प्लस 4D। अब आप इसकी ड्रिल करते जाए, ए फाइव मालूम करना तो फार्मूला क्या होगा? ए वन प्लस 5D। इसी तरह चलते जाए, अगर आपने ए एन कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या होगा? ए वन प्लस एन डी। ये हमारे पास nth अरिथमेटिक मीन मालूम करने का फार्मूला है। हम एक और फार्मूला भी यूज करते हैं अरिथमेटिक मीन के लिए, वो भी लिखवा देता हूँ, आप पहले ये नोट कर लें जी। एन अरिथमेटिक मीन, अगर फर्स्ट निकालना है ए वन प्लस टी, सेकेंड निकालना है ए वन प्लस 2D, थर्ड निकालना है ए वन प्लस 3D, फोर्थ निकालना है तो ए वन प्लस 4D, फिफ्थ प्लस 5D। अब मैं इसका शॉर्टकट आपको बताता हूँ, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा इसमें से। क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी हो जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 19। ऑप्शंस हैं 5 9 13। बीटा ऑप्शन है 6 9 13। सी ऑप्शन है 5 10 15। डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपने किसके दरमियान अरिथमेटिक मीन बताना है? 1 और 17 के दरमियान। शॉर्टकट समझो,
किस किस के दरमियान बताना है आपने, 1 और 17 के दरमियान। कैसे मालूम करेंगे हम सारी ऑप्शन को इसके दरमियान रखेंगे, 1 और 17 के दरमियान। पहले ये वाली ऑप्शन रखेंगे, फिर ये वाली ऑप्शन रखेंगे, फिर ये वाली ऑप्शन रखेंगे, जिस पे कॉमन डिफरेंस सेम बन जाएगा वही आपका आंसर होगा। देखें, अल्फा ऑप्शन रखें इसके दरमियान 1, 5, 9, 13। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 4 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 4 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 4 का, इन दोनों का डिफरेंस सेम बन रहा है डिफरेंस, तो ए ही आंसर होगा। ये शॉर्टकट है अरिथमेटिक मीन्स बताने का। दोबारा सुन लो, आपने सबसे पहले 1 और 17 लिखना है, वो नंबर जिनके दरमियान आपने मीन बताने हैं, और फिर क्या करना है ऑप्शन को इसके दरमियान फिट करना है, फिर चेक करना है कि इनका डिफरेंस सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए सबका 4 बन रहा, तो ए ही आंसर होगा जिस पे डिफरेंस जो है वो सेम बन जाए। ठीक है, जिसको नोट कर लें। अभी हमने पढ़ा कि अगर आपने पहला अरिथमेटिक मीन मालूम करना है तो फार्मूला होगा a1 + d, सेकंड मालूम करना है a1। अब मैं इसका एक जनरल फार्मूला लिखवाता हूं, इसी का अब मैं आपको एक जनरल फार्मूला लिखवाता हूं। वो क्या है, अगर आपने nth अरिथमेटिक मीन निकालना है बिटवीन a एंड b, तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, an = a + bnb/n+1। ये फार्मूला याद रखना, यूज नहीं होगा ये फार्मूला कभी भी, क्योंकि मैंने इसका शॉर्टकट आपको बता दिया, इसका शॉर्टकट यूज होगा, ये फार्मूला खुद कभी भी यूज नहीं होगा। इसको जस्ट आप एज ए मेमोरी याद कर लें, an = a1 + nb/n+1। फिर इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, फिर इसमें से क्वेश्चन यूं आ सकता है, द सम ऑफ 10 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 18 इज, 2 और 18 के दरमियान आपने 10 अरिथमेटिक मीन्स आ रहे हैं, उनका सम बताना है। ऑप्शन है 110, बीटा ऑप्शन है जी 100, सी ऑप्शन है 50, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब इसका शॉर्टकट देखें क्या है, अगर आपने सम बताना है ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स का बिटवीन ए एंड बी, अगर आपने बच्चों ए और बी के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन का सम बताना है, तो का शॉर्टकट क्या है, एन बाय 2, जितने अरिथमेटिक मीन इनको 2 पे डिवाइड कर दें और ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दें, तो ये एन अरिथमेटिक मीन्स निकालने का फॉर्मूला होगा। जैसे इस पे हम अप्लाई करते हैं, कितने अरिथमेटिक मीन है जी, 10 अरिथमेटिक मीन है, तो 10/2 करोगे आप, किस किस के दरमियान है 2 और 18 के, आप 2 लिखेंगे और 18 लिखेंगे, तो क्या होगा 5 × 20, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 100 होगा। दोबारा सुनो इस बात को, कितने अरिथमेटिक मीन्स का सम बताना है आपने, 100 का, तो क्या करेंगे 100/2 है 10 का, 10/2 × a + b/a और b को ऐड कर दे, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखना है। अगर आपसे n अरिथमेटिक मीन का सम पूछा हो तो उसका शॉर्टकट ये वाला, दोनों नंबर्स को ऐड करें, n/2 से मल्टीप्लाई करवा दें। फिर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो यूईटी के टेस्ट में आया भी हुआ है, उस क्वेश्चन का स्टाइल ये है, इफ an -1 + bn - 1/an, आपको याद आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन जी, बिल्कुल ये आपकी बुक में मौजूद है, इस अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन आपने बताना है n की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। आपको पता है आपने इसमें वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, और ये प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ये आप लोग FSC वगैरह पढ़ते हैं प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि क्वेश्चन आपसे वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसका शॉर्टकट देखिए, डिनोमिनेटर की जो भी पावर होगी ना n-2,
आपने इसको जीरो पुट कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? टू। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लो जी सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। क्या शॉर्टकट है? डिनोमिनेटर की जो पावर है उसको आपने जीरो पुट कर देना है। अच्छा एक बात सुन लें, आपको पता है कि क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन के लिए भी आपकी बुक में है, फिर ये क्वेश्चन आपकी बुक में ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी है, फिर ये क्वेश्चन आपके पास हार्मोनिक मीन के लिए भी है। तीनों का शॉर्टकट बता देता हूं आपको, ताकि आपके तीन क्वेश्चन हो जाए। अगर अरिथमेटिक मीन के लिए आएगा तो आपने डिनोमिनेटर में जो ए की पावर है उसको जीरो पुट करना है। अगर ज्योमेट्रिक मीन के लिए आएगा तो आपने पावर को -1/2 के इक्वल पुट करना है। अगर हार्मोनिक मीन के लिए आएगा तो आपने क्वेश्चन को -1 के इक्वल पुट करना है। तीन बार तीन जगह पे क्वेश्चन मौजूद है। दोबारा सुन लो, अरिथमेटिक मीन के लिए जीरो पुट करना है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए -1/2 पुट करना है, हार्मोनिक मीन के लिए आपने -1 इसको पुट करना है। ये आपने टेक्निक जो है वो याद रखनी है। अरिथमेटिक मीन के लिए शॉर्टकट क्या बताया? जीरो पुट करना है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए -1/2, हार्मोनिक के लिए -1 पुट करना है। आगे चलते हैं, इसके बाद देखें अगला टॉपिक। मुझे बताएं 1, 7, 11, 15, 19 up to 16, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसे बच्चों क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर मैं इसे यूं लिख दूं 7, 11, 15, 19 up to 16, तो फिर ये क्या बन जाएगा? फिर ये अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। फिर ये क्या बन जाएगा? अरिथमेटिक सीरीज। और हम सीरीज का सम मालूम करते हैं, क्योंकि सम ऑफ इसे सीरीज का जो सम है इसे पार्शियल सम कहते हैं। पार्शियल इस वजह से कहते हैं कि ये हो सकता है 10 टर्म का पूरी सीरीज का तो सम नहीं ना होता, उसकी 20 टर्म का हो जाएगा, 10 टर्म का हो जाएगा। लिखा होगा जी आप इसका सम मालूम करें, A15 तक, A16 तक, A20, A100 तक, तो ये पार्शियल सम्स कहलाते हैं। सम भी कहते हैं और पार्शियल सम भी कहते हैं। खाली सम कह ले कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज इसकी क्या है? पार्शियल सम इसे कहते हैं। आगे देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का? SN, सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a1 + n-1 × d। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, या सम टाइम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को, n/2 a1 + an। अगर लास्ट टर्म पता हो तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर लास्ट टर्म पता नहीं है आपको तो आप यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला जरा याद कर लें, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। क्या फार्मूला है? n/2 2a1 + n-1 × d। आगे चलें, क्वेश्चन इसमें से आता है, ऐसे आता है, द सम ऑफ द सीरीज, सीरीज 1 + 5 + 9 + up to 12। आपने सीरीज का सम मालूम करना है 12 टर्म तक। ऑप्शंस हैं 272 276, और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कैसे मालूम करेंगे? अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधा सीधा वैल्यूज लगा के फॉर्मूले में पुट कर देनी है। बताओ A1 की वैल्यू क्या है? 1। बताओ D की वैल्यू क्या है? 4। बताओ N की वैल्यू क्या है? 12। बस आपने करना यह है कि वैल्यूज इसमें लगानी है। तो क्या बन जाएगा? S 12 = 12/2 2 × A1 की वैल्यू 1 है, 12 - 1, D की वैल्यू 4 है। जस्ट आपने वैल्यूज लगानी है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। S 12 = 6 × 2 + 44। इसको सॉल्व कर लें तो 12 टर्म का सम आ जाएगा 296। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 296 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है SN मालूम करने का, जो मैंने आपको बताया 2
एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, पूरी एक्सरसाइज में जस्ट एक ही फार्मूला यूज होता है। हाँ, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन इसमें से आ जाए तो वो ऐसे आ सकता है। हाउ मैनी टर्म्स रिक्वायर्स क्वेश्चन इन द सीरीज माइनस नाइन माइनस सिक्स माइनस थ्री अप टू सोन टू गेट सम 66 सम बनाने के लिए n की कितनी वैल्यू, कितनी टर्म्स होनी चाहिए कि 66 सम बन जाए आपके पास। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो ये आ जाएगा ऐसे। अब इसमें देखें, सम तो पहले से दिया हुआ है, एस एन सम तो दिया हुआ है, आपने क्या बताना है, हाउ मैनी टर्म्स आपने एन बताना है, कितना एन होगा। तो आप देखिए कि क्या फार्मूला होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक हो गया। वैल्यू लगा दें, इसकी वैल्यू 66 है, एन की वैल्यू क्या है जी मालूम करनी है आपने, 2 इंटू ए वन की वैल्यू क्या है जी माइनस नाइन है, एन की वैल्यू मालूम करनी है और डी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास जी, डी कैलकुलेट कर लें। कैसे कैलकुलेट करते हैं डी, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो डी की वैल्यू कितनी होगी 3, इसको सॉल्व आपने कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 66 इंटू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, माइनस 18 प्लस 3n माइनस 3, इसको आपने सॉल्व कर लेना, इसको इधर ले जाए 132 हो जाएगा, n इंटू 3n माइनस 21, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना लें या इसको बैक सॉल्व कर लें, ऑप्शन पुट करके देख लें, इसमें सारी ऑप्शन पुट करके देखें जिस पे ये आंसर बनेगा, भाई आंसर है तो इसको सॉल्व कर लें, इसका आंसर इस ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज बनेगा। आपने इसको बैक सॉल्व कर लेना है या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना कर सॉल्व भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्या बनेगा वैसे, 3n स्क्वायर माइनस 21n माइनस 132, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लो या इसे बैक सॉल्व कर लो, जो चीज ठीक लगती है वो आप कर लें। इससे भी अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे आएगा, देखिए मैंने सम निकालने का फार्मूला ये बताया, इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक ए वन और एक दूसरा डी, ये मस्ट है, फिर फार्मूला यूज होता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, इफ ए फोर इक्वल टू सेवन देन सम ऑफ नाइन टर्म्स इज सम ऑफ ए फाइव को आप कर ले 10, सम ऑफ सेवन टर्म्स बताने, ऑप्शन है 27 ऑफ एपी इज, ऑप्शन है 70, ऑप्शन है 40, डेल्टा ऑप्शन है कैन नॉट बी इनसफिशिएंट डेल्टा, इनसफिशिएंट डेल्टा। अब क्या करेंगे हम जी, सोचें एक ही टर्म से सम निकल सकता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फौरी तौर पे आंसर कर देंगे इनसफिशिएंट डेटा, जो कि नहीं होगा, ये सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा इस पे हमने सोचना है, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा जी। बताएं आपने, आपके पास सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इनसफिशिएंट डाटा की ऑप्शन होगी या कैन नॉट बी डिटरमिन की ऑप्शन होगी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिर्फ एक ही टेक्निक है, फार्मूला पहले लिख लो, वहीं से क्लू मिलेगा। अब बताएं कितनी टर्म का सम बताना है, 7 का, तो n की जगह पर 7 पुट कर दो, 7 बाय 2, 2 और कुछ नहीं पता हमें, सिर्फ आप n की जगह पर 7 पुट करना जा रहे हो, और कोई चीज ही पता नहीं हमें। अच्छा, s 7 इक्वल टू 7 ओवर 2, ये बनेगा 2a1 प्लस 3d, 2a1 प्लस 60। आगे देखें 7 ओवर 2, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बनेगा a1 प्लस 3d, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, s7 इक्वल टू 7 इंटू,
बताओ a1 प्लस 3d क्या ये a4 के बराबर नहीं होता? मैंने बताया था ना फोर टर्म मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, फिर बता रहा हूं a4 किसके इक्वल होता है, a1 प्लस 3d के। तो ये a4 आ गया, 7 इंटू a4 की वैल्यू कितनी है 10 है। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या होगा, बीटा होगा। समझ आ गई बात आप लोगों को? देखिए टोटली डिफरेंट क्वेश्चन अभी तक जो किए हैं आप, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर इनसफिशिएंट डाटा सोच भी लिया होगा लेकिन आंसर हमने कैलकुलेट किया। तो याद रखिएगा इसमें भी मैं लॉजिक बता दूं, लॉजिक क्या है, सम तब निकल सकता है जब ये मिडल टर्म हो, नहीं तो नहीं निकल सकता। देखिए 7 के मिडल में 4 आता है ना तो फिर सम निकल सकता है, अदरवाइज इनसफिशिएंट डाटा ही ऑप्शन में होगा। सिर्फ एक सूरत में सम निकल सकता है, अगर गिवन टर्म मिडल टर्म होगी। अगर गिवन टर्म कौन सी टर्म होगी, मिडल टर्म होगी। अगर गिवन टर्म मिडल टर्म नहीं होगी तो सम नहीं निकल सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 70 बनेगा। गॉट इट? तो ये है जी हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला पोर्शन है। हम अब कल वाले, यहाँ तक आपने इसको प्रिपेयर कर लेना। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये चैप्टर, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है ये चैप्टर, लेकिन मैंने बड़े आसान तरीके से आपको पढ़ा दिया है। अब शॉर्टकट भी सारे बता दिए, अब आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा। यू कैन फील इट, यू कैन सेंस इट कि अब क्वेश्चन आपका, ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आपने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कल पढ़ेंगे वो चैप्टर 6 का सेकेंड हाफ पढ़ेंगे, जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। लें जी इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात होगी। गुड लक, कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।